कोरोना के कारण अंबाला जोन के यमुनानगर और रेवाड़ी में भारतीय सेना की भर्ती रद्द कर दी गई है, जिसके बाद आंखों में देश सेवा का जज्बा लेकर भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हजारों युवाओं का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। भर्ती रद्द होने की सूचना मिलते ही सैकड़ों युवा अंबाला छावनी में स्थित आर्मी भर्ती कार्यालय पहुंचे, जहां उनके हाथ निराशा ही लगी, जिसके बाद युवा अंबाला के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त को शिकायत सौंपकर भर्ती करवाने की गुहार लगाई। पिछले साल हमारी मार्च में रजिस्ट्रेशन हुई थी आर्मी की, उसके बाद हमारी भर्ती मई मानी थी, वह कोरोना की उसका कैंसिल कर दी, सितंबर में पोस्टपोन कर दी। इन्हें कहा था रजिस्ट्रेशन यही चलेगी, उसके बाद इन्हें कर दी फरवरी माह, 23 फरवरी तो हमारी भर्ती थी, भाई रजिस्ट्रेशन था यही चलेगी। इन्हें कहा था रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, दोबारा रजिस्ट्रेशन होएंगी और जिसमें कि आधे ज़्यादा कदम एवरेज हो गए। मैं हमारी मांग यह है कि माँ रजिस्ट्रेशन पुरानी चलाई जाए तो मर तब भर्ती का मौका दिया जाए। यू भर्ती पूरी तरह कैंसिल कर दी इन्होंने, भर्ती पूरी तरह कैंसिल कर दी जी, भर्ती रद्द कर दिया, बोले दोबारा रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद मई जून में भर्ती आएगी जी। कोई परमानेंट डेट दी है? ना जी, परमानेंट कोई डेट नहीं जी। हमारे की दिल जान से भर्ती की तैयारी कर रहे सर, जब लॉकडाउन भी था ना, जब भी ग्राउंड में जा रहे थे सर, ठीक है, जब भी पुलिस पीछे लग जाती थी, पर अपनी प्रैक्टिस नहीं कभी भी छोड़ी सर, ठीक है। आयन वक्त में आके कह रहे हैं कि आर्मी भर्ती रद्द कर दी गई है, 1999 वालों के रजिस्ट्रेशन अब उठाएंगे ही नहीं सर। अब 2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2001 अक्टूबर से, वो वाले सर मान्य होंगे 1999 वाले को बिल्कुल ही रद्द कर रहे हैं सर। ये डीसी साहब को शिकायत दी है? हाँ, डीसी साहब ने कह रहे हैं कि बात करेंगे आगे सर, क्या अब तक क्या होगा क्या नहीं। अब भर्ती कब थी और एडमिट कार्ड कब जारी होने थे? 23 फरवरी से 28 फरवरी सर भर्ती होनी थी, इसके एडमिट कार्ड आने थे सर 8 फरवरी को, 8 फरवरी को अभी सर कुछ नहीं हुआ। आर्मी वालों से कुछ बातचीत हुई? आर्मी वाले सर जाते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं ये अंबाला कैंट में सर बीआरओ है, वहाँ पे पता करते हैं, ऑनलाइन देखो सर, ऑनलाइन तो सर अब कुछ नहीं आता सर वहाँ पे, ठीक है सर, 1.5 साल से भी ऊपर ही हो गया है सर। ऐसे में अब 23 फरवरी से इन पदों पर भर्ती शुरू होनी थी और आज तक आवेदकों के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए, तो सैकड़ों की संख्या में युवा अंबाला छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय पहुँच गए, जहां उन्हें सेना ने कोरोना का हवाला देकर भर्ती रद्द किए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हजारों युवाओं का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं भर्ती को रद्द किए जाने को लेकर युवाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कैमरा पर्सन करण के साथ अभिनंदन भारद्वाज की रिपोर्ट, एनबी न्यूज। पेट्रोल और डीजल के बाद अब प्याज की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो आने वाले समय में रसोई से प्याज गायब हो जाएगी। दरअसल तेजी से प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में प्याज के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। जो प्याज कुछ दिन पहले 20 से 30 रुपये प्रति किलो मिला करती थी, वो अब 50 से 60 रुपये प्रति किलो मिल रही है। दाम बढ़ने से किचन का बजट गड़बड़ा गया है। महिलाओं का कहना है कि अगर प्याज के दाम इसी तरह तेजी से बढ़ते रहे तो आने वाले समय में रसोई से प्याज जो है वो दूर हो जाएगा। प्याज बहुत महंगा हो गया है। क्या रेट का प्याज? अरे 250 रुपये पसेरी चल रहा है। किलो चल रहा है आपका 50 रुपया। कैसा लग रहा है? अरे इतना महंगा है, कैसे आदमी लेगा, कैसे काम चलेगा भाई महंगाई से। 50 रुपया किलो, 50-55 रुपये। हमारा नाम गुलाची है। क्या चीज लेने आई है? आलू प्याज लेने आए हैं। प्याज क्या रेट है? प्याज 50-55 है। कितना महंगा हो गया, बजट में कितना असर पड़ा? बहुत महंगा पड़ा है भैया, कहाँ की रस्ती चलेगी इस बजट से। तो आप खुश हैं? नहीं, खुश क्या है, खुश रहेंगे इस बजट से? हाँ, फिर तब क्या, सस्ता कराइए सरकार से, और क्या सस्ता करें तभी ना सब जनता जिएगी। प्याज की कीमतों में लगातार हो रही तेजी से हर वर्ग आहत है। पिछले साल प्याज 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गया था, जिसके चलते लोगों को चिंता जो है वो सताने लगी थी कि प्याज के दाम अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो ये 100 का आंकड़ा भी छू सकता है। हालांकि उस समय सरकार ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाए थे, जिसके बाद दामों पर थोड़ा बहुत अंकुश लगा था। आखिरकार बात जो भी हो, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आम जनता की जेब खाली कर दी है। कैमरामैन करण के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट।
केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। पिछले 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बीच बीच में ये भी खबरें आती रही हैं कि किसानों के गुटों के बीच में आपस में ही तनाव होने लगा है और आपस में ही विवाद हो रहा है। इस बीच अब एक नई खबर आ रही है, किसानों ने एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करना शुरू कर दिया है। आपको जानकारी दे दें, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने कहा है कि उनके पास विदेशी फंडिंग खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, खुशी मनाओ, मिठाई बांटो, क्योंकि किसानों के पीछे अब कोई भीड़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रैक्टर रैली के लिए 3,00,000 रुपए देने पड़े थे। आपको बता दें, शिवराज सिंह ने कहा है कि राजपूतों में पृथ्वीराज भी पैदा हुए थे और जयचंद भी पैदा हुए थे। उन्होंने अपने पड़ोसी गाँव के कुछ लोगों को यह कहा था। इसके बाद उधर से जवाब मिला कि मास्टर शिवराज जयचंद वाला काम कर रहे हैं और किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा के जो किसान हैं, उन्होंने ये तक सवाल उठाए हैं कि राकेश टिकैत के पास आखिर इतना पैसा कहां से आया। यहीं से एक और किसान नेता ने कहा है कि इनके पास 20 बीघा खेत था और आज करोड़ों की संपत्ति है। वो अपनी जांच करवाएं और राकेश टिकैत की जांच करवाएं। इसके बाद शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि किसान नेता ने 3,000 रुपए लिए थे। इसके बाद दोनों में पैसों के लेन देन को लेकर बहस शुरू हो गई। मास्टर शिवराज कहने लगे कि आप मंदिर पर आकर कसम खाएं कि आपने पैसे नहीं लिए। मास्टर शिवराज सिंह ने यह भी कहा है कि ये भोले के मंदिर पर सौगंध लेने के नाम पर लड़खड़ा गए। उन्हें भोले के मंदिर पर कसम खिलाओ, इनके साथ 4 लोग हैं, हमारे साथ तो 50 लोग जाते हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत के बयान पर भी लोग नाराज नजर आए। राकेश टिकैत के कहने पर लोग अपनी फसलों को बर्बाद करने लगे थे। एक शिकायतकर्ता का कहना है कि बाप कहता था कि खूब अन्न पैदा करो और विश्व को खिलाओ और बेटा कह रहा है कि फसल चलाओ। राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसी बात कह रहे हैं। अगर देश में अन्न की कमी होगी तो इसके लिए राकेश टिकैत जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके से लगातार किसान नेताओं के अलग अलग बयान के कारण अब लोगों के विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। राकेश टिकैत को लेकर पहले भी कई लोगों ने अपने विरोधी स्वर मुखर कर लिए थे। अब शिवराज सिंह पर भी जांच की आंच आती हुई नजर आ रही है। शिवराज सिंह के बयान से भी अब लोग खफा ही नजर आ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से जो किसान लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस लड़ाई को पूरी कर पाते हैं या नहीं, या आपस का ये विवाद ही उनके इस आंदोलन को खत्म कर देगा। एएनबी न्यूज के लिए शशिपाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत। गुजरात में 6 महानगर पालिका की सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी यहां पर साफ तौर पर जीतते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है और पहली बार जो चुनाव लड़ा AIMIM असदुद्दीन की जो पार्टी है, वो भी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। और आपको ये बता दें कि गुजरात में 6 महानगर पालिका की कुल 576 सीटों पर 21 फरवरी को वोट डाले गए थे। सभी 6 सीटों पर बीजेपी को बहुमत मिला है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी पहली बार गुजरात में जीत दर्ज की है। बीजेपी ने जो सीटें जीती हैं उसमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, जामनगर और भावनगर शामिल है। ओवैसी की AIMIM ने भी पहली बार अहमदाबाद के 6 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे। अगर शुरुआती रुझानों की बात करें तो 3 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार आगे थे। तो गुजरात में इस बार बड़ा खेल देखने को मिला है। बीजेपी यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कड़ी टक्कर अब हो गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी और ओवैसी भी शामिल हो गए हैं। कैमरा पर्सन करण मेहरा के साथ मैं काजल ठाकुर, एएनबी न्यूज। बगावत करते अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें कि प्रेमी जोड़े ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली है। शादी ऐसी थी कि जिसमें ना तो बैंड बाजा था ना बाराती थे, था तो सिर्फ मन में एक डर कि कहीं घर वाले ना आ जाएं। पूरा मामला रीवा ज़िले का है, जो रीवा शहर के रहने वाले नील दुबे ने जबलपुर की रहने वाली साधना कुशवाहा के साथ रीवा स्थित रानी तालाब मंदिर में पहुंचकर शादी कर ली है। शादी अपनी मर्जी से की है और घर वाले कर नहीं रहे थे, तो हमने किससे कराया? घर वालों ने कुछ आप लोगों पर कुछ हाँ दबाव डाले। आपको लड़के वालों की ओर से कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा रही है? नहीं, नहीं। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? हाँ। आप अपना नाम बताइए एक बार। साधना कुशवाहा। घर वालों को क्या बताना चाहती हैं? घर वालों की बोलना चाहती हूँ, हमें बार बार परेशान न करें, अपनी लाइफ जीने। सुनील दुबे नाम है मेरा और हम लोग इंटर कास्ट में शादी कर रहे थे, तो इसके लिए हमारे घर वाले राजी नहीं हैं और लड़की पक्ष वालों ने FIR दर्ज कर दिया है धमापुर थाने में।
जिससे कि बार बार हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, और जबकि हम लोग अपनी मर्जी से दोनों लोग एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। कहाँ शादी की है? ये रानी तालाबाद शक्ति माता मंदिर में। कहाँ मिले आप लड़की से, कैसे मिले? हम लोग जबलपुर में मिले हैं आज से 2 साल पहले, और 2 साल से हम लोगों का अफेयर चल रहा है, और अब हम लोग आज यहाँ घर वालों के दबाव के कारण और लड़की की शादी फिक्स कर दिए थे दूसरी जगह, इसके लिए हम लोग दबाव के कारण आज यहाँ पे आकर के हम लोग एक दूसरे से वो कर रहे हैं। मेरा नाम सुनील दुबे है, साधना कुशवाहा। और इन दोनों ने मीडिया के माध्यम से यह संदेश भी अपने घर वालों को दिया है कि इन दोनों को कोई परेशान ना करे, दोनों बालिक हैं और दोनों अपनी इच्छा से शादी किए हैं, लेकिन घर वाले इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिससे कि दोनों प्रेमी जोड़े भागकर शादी करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, रीवा, ANB न्यूज। रामपुर सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन किसी न किसी विवादों में उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होती चली जा रही है। जैसे कि बताएं कि 1 साल से ज़्यादा समय होने वाला है आजम खान को कि वो सीतापुर की जेल में बंद हैं। जी मैं आपको बता दूं, एक मामला और नया आया जिसकी शिकायत रामपुर के वरिष्ठ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना हनी ने जिलाधिकारी महोदय से की थी, जिसका बाद दर्ज करवाया गया था। आजम खान का जो रामपुर में 5-स्टार फैसिलिटी का रिसॉर्ट है, हमसफर रिसॉर्ट, उसमें मेरे द्वारा ये शिकायत की गई थी जिलाधिकारी रामपुर को कि इनके रिसॉर्ट में सरकारी जो भूमि होती है उसमें सरकारी खाद के गड्ढे होते हैं, जहाँ पर गांव के लोग अपना जो कूड़ा होता है वो वहाँ एकत्रित करते हैं, उसको खाद के गड्ढे कहा जाता है। आजम खान ने वो कब्जा किया है, उसकी जाँच हुई और जाँच में वो सही पाया गया, तहसीलदार से सदर गया, ये बात चल रहा था। आज इसमें निर्णय आया है कि सरकारी खाद के गड्ढों को खाली करवाया जाए और उन पर 5,32,000 रुपये का, आजम खान और बाकी लोगों को 5,32,000 रुपये का उसमें जुर्माना लगाया गया है। ये एक अच्छा निर्णय है, सही निर्णय है। और आजम खान जो बात कहते थे कि मेरे दामन पर एक भी दाग नहीं है, चाहे वो बिजली के बिल की पेनाल्टी 30 लाख रुपये वो रही हो या ये 5,32,000 रुपये ये जुर्माना रहा हो, इससे ये साबित होता है कि उनके दामन पर दाग के सिवा और कुछ है ही। उनका बात दर्ज कराया था कि हम सफर रिसोर्ट पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था और खाद के गड्ढे बना रखे थे, जिसमें कि 5,32,000 रुपए का अब जुर्माना वसूलने का नोटिस दिया गया है और अब जुर्माना वसूला जाएगा। प्रशासन जुर्माना वसूलने की तैयारी में लगा है। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। तीन बिल कानून को लेकर लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, बिजनौर में कई वीडियो वायरल हुए जिसमें किसान अपनी फसल जोतता हुआ दिखा। आपको बता दें, जिस तरह से चांदपुर में किसान ने अपनी 5 बीघा की फसल को नष्ट कर दिया और जोत दिया, उसी तरह से बिजनौर के नगीना तहसील अंतर्गत तेलीपुरा गाँव में भी आपको वीडियो एक वायरल हुआ और उसको भी समाचार पत्रों में तथा टीवी चैनलों पर चलाया गया। और बाकी आपको बता दें, जिस तरह से किसान विरोध कर रहा है परंतु सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है, आपको बता दें आज बिजनौर में एक वीडियो और वायरल हुई, जो कि वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सरकारी प्रचार वाहन जो कि गांव-गांव घूमकर प्रचार कर रहा था कि ताकि किसानों को समझ में आए, सरकार की योजनाओं के बारे में पता चले और सरकार इस बारे में सोच सके कि सरकार जिस तरह से लोगों के लिए मुहिम चला रही है, उस तरह से लोगों को ये पता चल सके कि आखिर जनता का क्या फायदा है, किसानों का क्या फायदा है। परंतु किसानों ने प्रचार वाहन को रोका और प्रचार वाहन को रोकने के बाद उसके चालक से ही ये बात पूछने लगे कि अब बताइए आप किस तरह से हमारी आय दुगनी करेंगे। जैसे कि ये DIO सर हैं, सूचना विभाग अधिकारी हैं, ठीक है, जो चीज़ आपके क्षेत्र में होता है पूरी जानकारी ये रखते हैं। DM से लेके आप SDM तक कोई भी जिला कलेक्टर कोई भी अधिकारी होता है, पूरी सूचना इनके पास है, आप इनसे पूरी जानकारी लीजिए, इनका नंबर बाबू एक बात बताइए, अभी उसे पकड़ना है, क्या नाम है उसका लड़की का, 21 साल की है वो,
यूपी देश वालों को पकड़ा भैया जी, सरकार को पकड़ा ना, हजारों कांड होते हैं, हजारों कांड के जवाब हम नहीं दे पाएंगे। अधिकारी देगा, आप उनका नंबर लड़की वो गलत है तो उसे ही पकड़ा जाएगा। इससे संदेश का जा रहा है, जो गाड़ी लेकर तुम हर आदमी सोच रहा होगा दुगनी करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं हमें समझा दे भाई। ये बात के द्वारा वीडियो दिखाया जाता है, वीडियो में समझाया जाता है, लोग समझते हैं। हाँ, चोरी चोरा आंदोलन के बारे में, इसके बारे में वीडियो दिखाया जाता है बस यार। इसके बारे में अलीगढ़ में चल रहा था, ठीक है प्रोग्राम, उसका क्या हुआ था, इसका प्रिंट आउट यहाँ पे विजनों में नहीं निकल पाया, इसलिए उसका फ्लैक्स लगा है। तो वीडियो में अच्छा बता दो, हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, और इसका अगर कोई जानकारी लेना है तो हमारे सर को नंबर दे दीजिए। अलीगढ़ वालों की कैसे हुई, कैसे हुई अलीगढ़ वाले किसान की पूरी जानकारी आपको तो वहीं से मिल जाएगी। यार तुम गाड़ी क्यों लेकर आयो फिर, जब तुम जानकारी नहीं दे सकते, नहीं गलत बात क्यों लाए हो। जिसपे प्रचार वाहन चालक तो कुछ नहीं बता पाया, परंतु उसने अधिकारियों का नंबर उपलब्ध कराया और उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया। लगातार सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। आपको दिखाया जाए कि मंडावली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये वीडियो चला, जो कि प्रचार वाहन को रोककर किसानों ने अपना विरोध जताया। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज बिजनौर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको बता दें, जालौन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। औरई शहर में हुए 1 करोड़ से अधिक चोरी का किया खुलासा। 29 जनवरी को औरई शहर में एक घर से हुए करोड़ों रुपए की चोरी का किया पर्दाफाश। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस ने इस कांड में शामिल 4 आरोपियों को चोरी किए गए करोड़ों रुपए के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवी सिंह ने बताया, 29 जनवरी को उप प्रभारी वन अधिकारी जगदेव सिंह के और स्थित पटेल नगर से कोतवाली में FIR लिखाई गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ज्वेलरी सहित 1 करोड़ से अधिक नकदी चोरी हुई है। मामले का दर्ज होने के बाद COCD संतोष कुमार व SOG टीम लगाई गई थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। थाना कोतवाली उरई सर्विलांस SOG की टीम ने मिलकर एक चोरी की घटना का खुलासा किया है, जो 29 जनवरी को 2021 में घटना हुई थी, जिसमें उप प्रभागीय वन अधिकारी जो ललितपुर में पोस्टिंग है जिनकी, उनके घर में चोरी हुई थी। इसमें उनके घर से आभूषण, सोने का कुछ सॉलिड ब्रिक्स और कैश अमाउंट गया था, जिसमें आज पुलिस ने रिकवरी की है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगभग 935 ग्राम इसमें गोल्ड आइटम्स बरामद हुए हैं, आधी किलो चांदी है और 36,49,000 रुपये इसमें पुलिस ने बरामद किए हैं। जो आभूषणों को बेचने के बाद अभियुक्त द्वारा एक कार खरीदी गई थी स्विफ्ट डिजायर, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। लगभग 90 लाख का टोटल आइटम है जो पुलिस ने बरामद किया है। सर, अभियुक्त जो पकड़े गए हैं चोर, वो उन्होंने कैसे, उन्होंने घर को निशाना बनाया या किस तरह से उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था?
ये जो अभियुक्त हैं उसे पता था कि इनके घर में शादी के समारोह से आए थे और घर में जो है गोल्ड का आइटम रखा हुआ है, इन्होंने चोरी किया और फिर जो इनका दूसरा साथी है उसके घर में इन्होंने गोल्ड का वो सारा सामान रख दिया और वहाँ से धीरे धीरे करके इन लोगों से गलाने के बाद गोल्ड आइटम्स को बेचते रहे। एएनबी न्यूज मयंक राजपूत जालौन। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना प्रादुर्भाव का तेजी से बढ़ता हुआ देख महाराष्ट्र सरकार ने एक घोषणा की है, मुंबई पुलिस सहित मुंबई मनपा के तमाम कर्मचारी जो है रास्ते में उतरकर मास्क की चेकिंग कर रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि बीएमसी के तमाम कर्मचारी हो या मार्शल बीटो लगातार लोगों को मास्क के लिए अवेयर कर रहे हैं, वहीं लगातार कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से अतिरिक्त जो है बीएमसी आयुक्त ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रादुर्भाव की जो बढ़ने की क्षमता है वो 5 से 7% है और आने वाले में समय में उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 10% हो सकती है। इसको लेकर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस और बीएमसी लगातार सतर्क हो गई है, अलर्ट हो गई है, लगातार चेकिंग की जा रही है और एक घोषणा की जा रही है कि आप सतर्क रहें, दूसरों को भी सतर्क रहें, उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये लगातार देखा जा रहा है कि जो लोग मास्क की जगह रुमाल या फिर दुपट्टे का प्रयोग कर रहे हैं उसको भी लेकर पुलिस लगातार एक लोगों को जागरूक कर रही है कि मास्क रुमाल और दुपट्टा जो है मास्क की श्रेणी में नहीं आता, ऐसे में आपको बेहद जरूरी होगा कि आप मास्क लगाएं या फिर ट्रिपलाई मास्क लगाएं, उसको लेकर लगातार मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है। तीसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार बीएमसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना प्रादुर्भाव बढ़ रहा है उसको लेकर बीएमसी के तमाम जो हॉस्पिटल है उनको खाली करवा लिया गया है। वो ये भी जानकारी मिली है कम से कम 75% ऐसे बेड है जो लगातार खाली हैं। वहीं लगातार ये भी देखा जा रहा है कि अब तक आईसीयू की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें या फिर ऑक्सीजन की बात करें, तमाम जो मुहैया है वो सब करवा दी गई है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रतिशत से कोरोना बढ़ रहा है ऐसे में मुंबई पुलिस और बीएमसी की जो सतर्कता है वो कहीं न कहीं आने वाले समय में काम दे सकती है। कैमरा पर्सन सोगुजन मस्तकार, सोनी एनबी न्यूज मुंबई। दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा का मुख्य आरोपी लखा सिधाना आज पंजाब के एक किसान रैली में पहुंचा और किसान रैली ये उसी गांव में हुई थी जो कि सीएम कैप्टन अमरिंदर का गांव है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सोशल मीडिया पर लखा सिधाना दिल्ली पुलिस को चुनौती दे चुका है और इसी रैली को लेकर चुनौती दी गई थी कि 23 फरवरी को वो रैली में शामिल होगा, अगर पुलिस से गिरफ्तार किया जाए तो कर ले। लेकिन वहीं हिंसा के मामले में अन्य आरोपी दीप सिद्धू को 30,000 कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिद्धू की 7 दिन की पुलिस रिमांड मंगलवार को खत्म हो रही है। 2 दिन पहले बठिंडा के एसएसपी भूपेंद्र जीत सिंह विर्क ने कहा था कि लखा सिधाना पर बठिंडा में कोई केस नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। पंजाब में लखा के खिलाफ 20 आपराधिक मामले दर्ज थे जिनमें वो बरी हो चुका है, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किला हिंसा मामले के 2 मोस्ट वॉन्टेड आरोपियों को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया है। तो जो लाल किले की हिंसा हुई थी उसके 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन वही लखा सिधाना जो कि किसान रैली में पहुंचा, अब उसकी गिरफ्तारी कब तक होगी ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ मैं काजल ठाकुर, एएनबी न्यूज। जो भी करना है हमें करना है और कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जो भी अपराध किस्म के व्यक्ति जिला बदर होने लायक हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। चुनाव का तैयारी का पहला मीटिंग एक तरफ से अब जान ही रहे लगभग, तो पंचायत चुनाव का तैयारी तो पूरा हो गया है, आरक्षण का प्रक्रिया चल रहा है, उसके बाद चुनाव का नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है। उसी के आज तो खासतौर पर सभी ऑफिसर को बुला रखा है, SHO लेवल का, CO लेवल पे और SDM लेवल पे और BDO लेवल पे और ADM लेवल पे, तो सभी का हम लोग क्लियर किए हैं। टोटल कितने बूते हैं, 30 लाख ऊपर का वोटर है, उन लोगों का बेसिक सुविधा कैसे करना है और संवेदनशील अनिसंवेदनशील का अभी से चेंज करना है और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या तैयारी करना, उसी का तैयारी मीटिंग का
और लगातार हम लोग हर सप्ताह मीटिंग करेंगे, उम्मीद है शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने के लिए। सर असलहों को तमाम और बिंदुओं पर चर्चा है उसके लिए, देखिए लगभग 23,000 लाइसेंस होल्डर है गोरखपुर, उसी का सत्यापन कराएंगे। ये जो हमेशा ये चुनाव का पहले एक प्रक्रिया होता है, उसका जो लाइसेंस होल्डर है उन्हीं का हम लोग वेरीफाई करते हैं ताकि वो बंदूक किस हाथ में, और उसके बाद फिर यदि उनका ज़रूरत पड़ता है तो उनका रहने देते हैं, इसे नहीं तो जमा कराते हैं। इसी प्रक्रिया का हम लोग शुरुआत किए हैं, उसी के हम लोग निर्देश दिए थे किसी का गलत हाथ में यदि लाइसेंस है तो फिर उसको कैंसिल कराने की प्रक्रिया का हम शुरू करेंगे। और जितने भी अवैध असलहे वाली फैक्ट्रियाँ पहले चलाई जा रही थी या अवैध दारू की फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं उन्हें तत्काल बंद कराया जाए, जिनके असलहे जमा होने हैं उनको सूचना दे के जल्दी जल्दी असलहे जमा करवाया जाए, चुनाव में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता। मुंबई से सटे पालघर जिले के सरौली ग्राम पंचायत अंतर्गत अवध नगर के अंतर्गत आने वाला आजाद नगर है। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि गंदगी के बीच किस तरह से लोग यहाँ पे जीवन बिता रहे हैं। यहाँ पे मेरे पीछे आप देखिए कि किस तरह की गंदगी है, यहाँ पे लोगों ने किस तरह से कचरा जमा करके रखा है, लेकिन यहाँ पे कभी प्रशासन की गाड़ी नहीं आती, ना ही ग्राम पंचायत की कोई गाड़ी आती है इस कचरा को उठाने के लिए। यहाँ के लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन शिकायत यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक से भी की गई, लेकिन उन्होंने भी एक पत्र जारी कर ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय भेज दिया, लेकिन अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ पे लोगों के बीच एक और कोरोना का डर लगा है तो दूसरी ओर अन्य बीमारियों का भी भय सता रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ सुने तो कौन सुने। अधिकतर उत्तर भारतीय क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में रहते हैं जिनकी सुनवाई शायद नहीं हो रही है। कैमरामैन कमर रजा के साथ आशा शेख, NB, बोईसर।